विजयदशमी पर देश भर में भले ही रावण दहन की परंपरा हो, लेकिन इंदौर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो इस परंपरा का सालों से विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि इंदौर जिला न्यायालय में रावण के पक्ष में बकायदा एक केस चल रहा है, जिसमें रावण दहन को गलत मानते हुए कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही हैं। मामले में हाल ही में सुनवाई भी हुई। जिला कोर्ट में रावण दहन के खिलाफ एक जनहित याचिका रावण भक्त मंडल की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह दलील दी गई कि रावण प्रकांड पंडित थे और उनके कथानक को रामायण में गलत तरीके से दर्शाया गया है। इसके अलावा याचिका में यह दलील भी दी गई कि रावण दहन के कारण देश भर में हर साल दशहरे पर प्रदूषण का स्तर दोगुना हो जाता है, लिहाजा इस पर रोक लगनी चाहिए। रावण एक प्रकांड विद्वान और पंडित तो थे ही, लेकिन उसके अलावा भी उनमें एक विशेष ये खूबी थी कि वो महिलाओं का बड़ा आदर करते थे और इसी आदर के कारण उनकी अपनी जो पुत्री थी जिसका नाम सीता है, उस पुत्री को वो उनका दुख नहीं देखा गया उनसे। उनने कहा, रावण ने कहा कि जो तीन बेर खाती थी वो बीन बेर खाती है, जो राज घराने में रहकर के तीन तीन बार खाना खाती थी वो उसको ऐसा बता गया कि उसको बेर को उठा उठा के खाना पड़ा है। इसी स्थिति में रावण ने अपनी बेटी का दुख नहीं देखते बना और वो उसको उठा करके और सीधे अपने वहां ले गए और अशोक वाटिका में उनको रखा। अशोक वाटिका में भी उन्होंने पुरुषों की जगह एक महिला जो उनकी भतीजी थी चरजिटा नाम की महिला, उस सुरक्षा गार्ड के उसमें उनको रखा। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने वाले रावण जिनको सच सच नमन करता हूँ। आज तो सैकड़ों ऐसे प्रकृति के लोग घूम रहे हैं जहाँ कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार जुल्म ज्यादती हो रही है। क्या आप उस रावण में और इनमें में फर्क नहीं देख रहे क्या? कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई थी, उस पिटीशन में हमारे एडवोकेट हरीश शर्मा जी, सोदिया जी, ठाकुर साहब ये हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। अभी शनिवार के दिन न्यायमूर्ति सुमन जी के पास हमारा इस मामले को सुनवाई हुई और एक करीब करीब 40 मिनट तक का एक डिस्कशन हमारे वकील साहब ने उनसे किया और उस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि हाँ इस पर कोई एक अच्छा फैसला हम आपको देंगे। 23 तारीख पर पुनः इस तारीख की लगाई है। जिला कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें रावण के पक्ष में तरह तरह के विद्वानों के मत एवं प्राचीन इतिहास और दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बीते शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में फिर पैरवी की, जिसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट में ही 23 अक्टूबर को होगी। वो एक महापंडित ज्ञानी था, विद्वान था, उसने कोई पाप नहीं किया था और विद्वानों का पंडितों का निरादर करना ये अपने आप में पाप है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस देश में विद्वानों का पंडितों का आदर नहीं होता वो देश स्वतः नष्ट हो जाता है, तो ऐसा पाप आम जनता ना करे। इस उद्देश्य को लेकर गौर जी ने, हमने और बहुत से लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि इस कुप्रथा को बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने सरकार के कई विभागों को ज्ञापन दिए, नोटिस दिए, लेकिन किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर हमने न्यायालय में एक वाद लगाया। वाद में हमने ये मांग की है कि ये कुप्रथा को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो विद्वानों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का निरादर होता है, दूसरा ये है कि प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विचारों का प्रदूषण। ये सारे प्रदूषणों को समाप्त करने के लिए हमने दावा लगाया है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अभी कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ पाया है। इंदौर के परदेसीपुरा में 2010 में लंकेश्वर महामंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ रावण की प्रतिदिन पूजा होती है। मंदिर की देखभाल करने वाले महेश गौहर द्वारा यहाँ रावण भक्त मंडल की स्थापना की गई है, जहाँ प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर रावण की हवन पूजन कर आरती होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से असीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश के एक बड़े वर्ग के लिए रावण पूजनीय है, इसलिए वह रावण दहन का पुरजोर विरोध करते हैं। ETV भारत, मध्य प्रदेश।